अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आप देख रहे हैं जेके प्रेस मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान नाजरीन बात करेंगे जम्मू कश्मीर की टैलेंट की तो जम्मू कश्मीर में टैलेंट बखूबी है लेकिन इस टैलेंट को ले के साथ चलना बहुत ही मुश्किल और इसी हवाले से हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान हम लोगों के दिलों में हमेशा रहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया वकार साहब अपना कीमती वक्त देने के थैंक यू थैंक यू सो मच ब्रदर तो वकार साहब अपने लाइफ जर्नी के बारे में हमें बताइए कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया लाइफ जर्नी बड़ी लंबी है जब मैं छोटा सा बच्चा था स्कूल में था तब से शुरुआत हुई थी इस की म्यूज़िक की जर्नी की बात कर रहे हैं तो जब मैं स्कूल में था तब से ही शौक़ था इस चीज़ में और आहिस्ता आहिस्ता स्कूल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही सफ़र चलता गया अभी सफ़र लंबा है अभी और आगे जाना है अलहमदिल्ला तो बहुत मुश्किल होता है कश्मीर जो कश्मीर के सिंगर है ज़्यादातर उनका प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है आगे मतलब वो आगे बढ़ सके तो आपको आपने कहाँ से सोच लिया मुझे इतना आगे जाना है तो आप इतने आगे पहुँच गए देखिए मुश्किल तो है इसमें कोई शक नहीं है मुश्किल है लेकिन अब मुश्किलों का सामना करना है अगर मुश्किल से हम हार जाएंगे हम ऐसा तो है नहीं कि थाली में परोस के हर चीज़ मिलेगी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है हर चीज़ में मेहनत लगती है और जब मेहनत करके आप चीज़ कोई हासिल करते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है और मेरे हाँ आज की डेट में थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ने हमारे लिए काम आसान किया है सोशल मीडिया के जरिए से हम जो है अपनी आवाज़ को एक उस बुलंदी पे पहुंचा सकते हैं जो शायद पहले थोड़ा सा अगर एक डेकेट पीछे जाएं तो थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि तब इतना हमारे इंटरनेट से हम वाकिफ़ नहीं थे इन सोशल मीडिया की चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थे तो अभी जो है और आजकल सारा सारा जो काम हो रहा है ये एंटरटेनमेंट का वो सारा मोबाइल के ज़रिए से हो रहा है आप देखें टी वी इतने लोग अब बिज़ी नहीं रहते मोबाइलों पर रहते हैं तो हर एक जो भी आर्ट फॉर्म है उनके लिए एक बहुत बेहतरीन टूल है वो है कि मोबाइल का अच्छे से इस्तेमाल करें वो जी तो वकार साहब आप पहाड़ी तबकेब से बखूबी ताल्लुक़ रखते हैं और आपने बहुत सारे जो गाने हैं वो आ, पहाड़ी, पहाड़ी में भी गाए हैं जी जी तो सबसे जो फेवरेट गाना है आपके पहाड़ी में वो कौन सा है जो देखें आपने गाया है पहाड़ी जो मैंने गाए हैं सारे मेरे फेवरेट हैं लेकिन अगर आप उनमें से एक चुनने के लिए बोलेंगे तो एक गाना है तुसी सी निका निका हंस दे वो उनमें से मेरे को बेहतरीन लगता है तो उन यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं सिंगिंग में अभी पीछे जी है जी उनका बहुत सारे ख्वाब देखे उन्होंने कि हम इसमें आगे चलेंगे तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपके हवाले से देखिए हमारे जो बड़े थे हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने ना बड़े मुश्किल का सामना करके इस चीज़ को थोड़ा सा पूछ दिया है प्रोमोश प्रमोट किया अपने कल्चर को अपनी म्यूज़िक को जिंदा रखा हमसे जो हो सका हमने थोड़ा सा और उस पर काम किया अब जो आने वाली जो यूथ है आने वाला जो है तकबा है उनके लिए चीज़ें ना और आसान है थोड़ी सी क्योंकि अभी सोशल मीडिया मैंने जैसे जिक्र किया तो है हमारे पास टूल अवेलेबल है वो जितना हो सके उस पर काम करें और क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है पहले चल जाता था काम क्योंकि बहुत कम लोग थे इसमें अभी बहुत हर एक इंसान गाना गा रहा है हर एक इंसान गिटार बजा रहा है हर एक इंसान कैमरा पकड़ के चल रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तालीम लेनी है। अगर आप कोई भी प्रोफेशन या कोई भी चीज़ आप में है तो उसकी तालीम लें पूरी उसको सीखें और प्रोफेशनल लेवल पर इसको सीखें ताकि आप में कोई कमी ना रहे आप बेस्ट हों तो और बस मैसेज यही है कि आपके अगर ऐसा कोई हुनर है तो उसको पूरा सीखें उस पर मुकम्मल तालीम हासिल करें जब भी कोई कश्मीर में कोई अपना काम करता है जैसे कि यूट्यूब चैनल खोलता है या बाकी जर्नलिज्म तो घर वाले का ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहता तो आपका कैसे सपोर्ट रहा जब आपने सपोर्ट किया मेरा सपोर्ट वैसा ही रहा जैसा आपको था सेम क्योंकि मुझे पता है कि हर यहाँ पर कोई भी ऐसा डॉक्टर इंजीनियर या जो में थोड़े से ट्रेडिशनल हमारे जो फील्ड है उनको छोड़ के अगर हम कोई भी काम करेंगे तो हमें इतना सपोर्ट नहीं मिलता उसकी वजह है उसकी वजह यह है कि हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है पर हमें यह भी समझना है कि प्लेटफॉर्म बनाएगा कौन कोई बाहर से आके तो बनाने वाला नहीं है तो ये हमें, हमें ही हमें ही क्रिएट करना है ना हमें ही सब चीज़ें करनी है अब जैसे म्यूज़िक है म्यूज़िक हमें यूट्यूब से हमें खुद करना है हमें यूट्यूब चैनल बनाना है हमारी आवाज़ पहुंचानी है बाहर तक अब देखें सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए से ही हमारा म्यूज़िक जो है आज दो या तीन गाने कम से कम बॉलीवुड में पहुँचें तो ये प्लेटफॉर्म हमें खुद बनाने है एडमिनिस्ट्रेशन का वेट नहीं करना है तो आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे नाजरन के लिए कुछ ऐसे आपका जो फेवरेट गाना है वो सुनाए ताकि हमारे जो व्यूवर है वो भी खुश हो जाए आपने जैसे जिक्र किया था कि मेरा कौन सा पहाड़ी गाना फेवरेट है तो वो मैं पेश करता हूँ वो समझ आ जाएगा आप सबको उस वो एक स्माइल पे बेस्ड है कहते हैं कि जो मुस्कुराहट होती है जब इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है तब सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो तभी लगता है इसलिए मुस्कुराता रहता हूँ और एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है आपके इर्द गिर्द में तो वो एक गाना मैं पेश कर रहा हूँ

ਜਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਹੋਵੇ ਉਡਾ ਬਣ ਕੇ ਪਤੰਗ ਮਾਇਆ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਨ ਕਹਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਨ ਕਹਸਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ वकार साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती थैंक यू थैंक यू सो मच तो ये थे हमारे साथ वकार खान जिनको आप बखूबी सब जानते होंगे तो वकार खा साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया कैमरा मैन ऐन के साथ मैं शाहिद खान थैंक यू वक़ार साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती थैंक यू थैंक यू सो मच तो ये थे हमारे साथ वकार खान जिनको आप बखूबी सब जानते होंगे तो वकार ख साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक़्त दिया कैमरा मैन के साथ मैं शाहिद खान